हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम दोस्त बताने वाले हैं बकेट एलिवेटर के बारे में। दोस्त, पहले जब बकेट एलिवेटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो प्लांट में जो मटेरियल की कन्वेइंग है, अगर हमको हायर लिफ्ट तक लेके जाना है तो बेल्ट कन्वेयर का यूज होता था या एयर लिफ्ट का यूज होता था, जहां पर अच्छा खासा एरिया का यूटिलाइजेशन होता था, कंपैक्ट डिजाइन नहीं होता था, लंबे लंबे बेल्ट कन्वेयर यूज होते थे हाई लिफ्ट के लिए। अगर एयर लिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर हायर पावर कंजम्पशन होता था। लेकिन दोस्त, बकेट एलिवेटर के इन्वेंशन के बाद जो भी प्लांट है, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे कोल हैंडलिंग प्लांट हो, वो सारा कंपैक्ट होने लगा। कंपैक्ट होने के पीछे यही रीजन रहा कि दोस्त, जो भी बेल्ट कन्वेयर है, एयर लिफ्ट है, वो सारा रिप्लेस होके बकेट एलिवेटर में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्त, इसी संदर्भ में आज हम बताने वाले हैं आपको बकेट एलिवेटर के बारे में डिटेल ओवरव्यू के साथ में। उसके हर एक पार्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उसके बेनिफिट के बारे में बताएंगे, एडवांटेज के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल लिफ्टिंग कन्वेइंग इक्विपमेंट में दोस्त दो टाइप के होते हैं, या न्यूमेटिक कन्वेइंग है, दूसरा मैकेनिकल कन्वेइंग है। तो न्यूमेटिक कन्वेइंग में पहला है एयर लिफ्ट। कंप्रेसर का यूज करके मटेरियल को ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक भेजा जाता था पाइप के थ्रू। दूसरा है डेंस फेस सिस्टम, जहां पर दोस्त वेसल होता था, वेसल में मटेरियल की फिलिंग करते हैं और प्लस लो प्रेशर कंप्रेसर के द्वारा मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तीसरा है न्यूमेटिक स्क्रू पंप या एफकम पंप बोलते हैं। मान लीजिए सीमेंट एप्लीकेशन में जब हम कोल की फायरिंग करते हैं किल्न के इनसाइड में, तो वहां जनरली एफकम पंप ही यूज किया जाता है। दूसरा है दोस्त मैकेनिकल कन्वेइंग। मैकेनिकल कन्वेइंग में चेन बकेट एलिवेटर और बेल्ट बकेट एलिवेटर का यूज होता है। तो दोस्त, जो एप्रोक्स पावर कंजम्पशन है, अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो सीपीपी का इक्विपमेंट हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट का इक्विपमेंट हो, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्त, हम यहां पर जो रेफरेंस ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, वो चाहे सीमेंट है, चाहे फ्लाई ऐश है, चाहे कोल है, चाहे क्लिंकर है, उसको हम 100 मीटर हाइट तक मटेरियल का कन्वे कर रहे हैं, तो एक टन मटेरियल का कन्वे करने के लिए कितना पावर कंजम्पशन होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूमेटिक स्क्रू पंप में, दोस्त हमको पावर कंजम्पशन करीब 1.2 किलोवाट आवर लगता था। अगर हम बात करते हैं एयर लिफ्ट में, वही पावर कंजम्पशन हमको 1.1 किलोवाट आवर लगता है। अगर उसको हम डेंस फेस सिस्टम के द्वारा कन्वे करते हैं मटेरियल को, वहां पर दोस्त 0.59 किलोवाट आवर लगता है। और अगर हम सेम मटेरियल को बकेट एलिवेटर के थ्रू टॉप हाइट तक मटेरियल को ले जाते हैं, तो हमको ओनली 0.41 किलोवाट आवर का पावर कंजम्पशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि बकेट एलिवेटर में पावर कंजम्पशन का रेट बहुत ही बहुत कम होता है। आज के डेट में दोस्त, जो भी सीमेंट प्लांट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन में बनने लगे हैं। इवन कूलर के डिस्चार्ज में जो भी क्लिंकर है, उसको भी चेन एलिवेटर के द्वारा क्लिंकर सेलों में फीड किया जाता है। जो भी लॉन्ग डीप पेन कन्वेयर है, उसको भी रिप्लेस किया जा रहा है। लॉन्ग बेल्ट कन्वेयर है, उसको भी रिप्लेस करके कंपैक्ट डिजाइन कर दिया जा रहा है, जो भी प्लांट का लेआउट है। तो दोस्त, जो मेजर एप्लीकेशन है बकेट एलिवेटर का सीपीपी में या सीमेंट प्लांट में, तो दोस्त जो सीपीपी की बात करते हैं, वहां पर कोल हैंडलिंग प्लांट होता है। तो कोल हैंडलिंग प्लांट में जनरली चेन एलिवेटर का यूज हो रहा है। वीआरपीएम में, वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल में, वर्टिकल रोलर मिल सर्किट में, रोल प्रेस सर्किट में, ये सारे जगह में चेन बकेट एलिवेटर का यूज हो रहा है। सीमेंट मिल में अगर हमको सीमेंट की फीडिंग सीमेंट सेलों में करना है, वहां भी बकेट एलिवेटर का यूज हो रहा है। रॉ मिल सर्किट में अगर हमको रॉ मिल का फीडिंग ब्लेंडिंग सेलों में करना है, तो वहां भी बकेट एलिवेटर का यूज होता है। अगर हमको रॉ मिल का फीड करना है प्रीहीटर साइक्लोन में, वहां भी बेल्ट बकेट एलिवेटर का यूज होता है। तो बकेट एलिवेटर का आज के डेट में यूज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो टाइप ऑफ बेल्ट बकेट एलिवेटर, तो दोस्त बकेट एलिवेटर जनरली टू टाइप्स के होते हैं, चेन बकेट एलिवेटर और बेल्ट बकेट एलिवेटर। जनरली दोस्त, जो चेन बकेट एलिवेटर है, वो हेल्पफुल होता है लंपी साइज मटेरियल की कन्वेइंग के लिए। मान लीजिए कोई भी लाइमस्टोन है, वो 200 से लेकर 300 mm तक का मटेरियल कन्वे करना है, या क्लिंकर ग्रेनुलेटेड फार्म में होता है, बड़े बड़े साइज फार्म में होता है, तो प्रेफर किया जाता है चेन बकेट एलिवेटर। तो चेन एलिवेटर में दोस्त फाइन पार्टिकल का भी कन्वेइंग किया जाता है, बड़े बड़े लम्स जो 200 से लेकर 300 साइज तक के होते हैं, उसका भी वर्टिकल कन्वेइंग किया जाता है।
तो दोस्त सबसे अहम होता है बकेट एलिवेटर का स्पीड, क्योंकि दोस्त बकेट एलिवेटर के द्वारा हम 0 मीटर लेवल से 100 मीटर लेवल तक का मटेरियल कन्वे कर रहे हैं। तो अगर स्पीड ज्यादा होगा तो डिरेल होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए जो उसका स्पीड रेंज है दोस्त, सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस बकेट एलिवेटर देता है वो जनरली 1 से लेके 1.8 मीटर पर सेकंड तक ही होता है। वहीं अगर दोस्त हम बात करते हैं बेल्ट बकेट एलिवेटर में, तो दोस्त बेल्ट बकेट एलिवेटर के द्वारा जनरली फाइंस मटेरियल का ही वर्टिकल कन्वेइंग किया जाता है, चाहे वो फ्लाई ऐश है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो रॉ मिल है। और बेल्ट बकेट एलिवेटर चेन बकेट एलिवेटर से भी हायर लिफ्ट कन्वेइंग के लिए माना जाता है। अगर मान लीजिए कि प्रीहीटर साइक्लोन में मटेरियल की फीडिंग करनी है, अब प्रीहीटर का हाइट 145 मीटर तक का है, तो सिंगल बेल्ट एलिवेटर के द्वारा मटेरियल को ग्राउंड फ्लोर से 145 मीटर हाइट तक मटेरियल के कन्वे करके मटेरियल को साइक्लोन में फीड किया जाता है। तो बेल्ट बकेट एलिवेटर में दोस्त सबसे अहम होता है स्पीड, तो इसका भी स्पीड 1 से लेके 1.8 मीटर पर सेकंड के बीच में ही फिक्स किया जाता है। तो दोस्त जो बकेट एलिवेटर है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है इस स्पीड के रेंज में। पार्ट ऑफ बेल्ट बकेट एलिवेटर, तो दोस्त बेल्ट बकेट एलिवेटर हम बॉटम से चलते हैं। बूट ड्रम अरेंजमेंट, बूट ड्रम अरेंजमेंट में दोस्त जो फीडिंग सूट होता है वो बूट ड्रम में ही कनेक्ट होता है, और मटेरियल का जो डिस्चार्ज होता है दोस्तों सीधा बकेट के ऊपर में ही होता है, तो सीधा मटेरियल बकेट में ही डिस्चार्ज होता है, ऐसा अरेंजमेंट सूट का होता है। बूट ड्रम में ही जो टेल ड्रम का अरेंजमेंट होता है वो केज डिजाइन का होता है। दोस्त जो इसका ड्रम है दोस्त, उसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप कंपेयर कीजिए बेल्ट कन्वेयर का जो हेड ड्रम या टेल ड्रम होता है वो सॉलिड डिजाइन का होता है, तो जो एलिवेटर का है वो केज डिजाइन का होता है, जिसके द्वारा क्योंकि बूट में ही हमेशा मटेरियल फिलअप रहता है, अगर बेल्ट कन्वेयर के डिजाइन के हिसाब से अगर उसका ड्रम रहेगा तो दोस्त जो मटेरियल है वो बेल्ट और ड्रम के बीच में हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो स्लीपेज बेल्ट का बहुत तेजी से होगा, इसलिए इसका केज डिजाइन का होता है, तो मटेरियल बेल्ट में आने ही नहीं पाता है, वो साइड में स्लिप होके केसिंग में जाता रहता है। दोस्त जो उसका ड्रम होता है, ड्रम में जो बेयरिंग लगे होते हैं वो बेयरिंग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी होता है, लेकिन आज के डेट में यूज हो रहा है नाई हार्ड बेयरिंग जो लॉन्गर लाइफ के लिए जाना जाता है। तो करीब मान के चलिए अगर बकेट एलिवेटर हाई पावर प्लांट में सीमेंट प्लांट में लगता है तो दोस्त वो 5 ईयर 6 ईयर तक का लाइफ देता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है बकेट एलिवेटर में कि बूट लेवल आ गया, तो बूट लेवल आ गया तो मतलब मटेरियल केसिंग के इनसाइड में भर गया बॉटम में, तो उसको निकालना बहुत जरूरी होता है इमीडिएट, जैसे प्लांट का स्टॉपेज ना होने पाए। तो बूट में ही जितने भी डोर दोस्त लगे रहते हैं वो हिंज टाइप के होते हैं कि हम 5 मिनट के अंदर में ही डोर को खोला जाए और मटेरियल बाहर निकाला जाए और फिर वेल्ट एलिवेटर को इमीडिएट रेडी कर दिया जाए ऑपरेशन के लिए। तो यहां पर जितने भी डोर हैं वो हिंज टाइप के डिजाइन के होता है, और बड़े बड़े डोर भी होते हैं, अगर मान लीजिए कि हमको केज ड्रम का रिप्लेसमेंट करना है उसके लिए भी बड़ा वाला डोर यूज होता है। बेल्ट प्रॉपर टेंशन में रहे इसलिए टेल ड्रम में ही बेल्ट टेंशनिंग अरेंजमेंट होता है, जो कि बेल्ट को प्रॉपर टेंशन देके रखता है। जो बॉटम केज ड्रम है दोस्त वो करीब 200 mm तक आपस में वर्टिकली लिफ्ट कर सकता है टू एंड फ्रो डायरेक्शन में। मान लीजिए दोस्त अगर बेल्ट एम्प्टी चल रहा है उस कंडीशन में बेल्ट में कोई भी इलांगेशन नहीं होगा, और मान लीजिए जैसे ही मटेरियल के फीडिंग स्टार्ट हुआ उस समय क्या होगा कि मटेरियल के इटसेल्फ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस कंडीशन में आप इमेजिन कर सकते हैं 100 मीटर लेंथ का अगर बेल्ट है तो उसमें कितना इलांगेशन होगा, तो करीब 150 mm 200 mm तक का एलोंगेशन होता है। तो इसीलिए पैरेलल टेंशनिंग डिवाइस लगे रहते हैं बेल्ट के कैपेसिटी के हिसाब से, बेल्ट लेंथ के हिसाब से, वर्टिकल लेंथ के हिसाब से, तो काउंटर वेट का डिजाइन होता है, तो उसी रेशियो में काउंटर वेट लगे रहते हैं जो कि बेल्ट में प्रॉपर टेंशन देके रखता है।
इंटरमीडिएट अरेंजमेंट। दोस्त इंटरमीडिएट अरेंजमेंट में सबसे अहम होता है कि अगर हम प्लांट ऑपरेशन के दौरान या मेंटेनेंस के दौरान कोई भी काम करना है बकेट एलिवेटर के इनसाइड में, कोई भी इंस्पेक्शन करना है, बकेट का बोल्ट अगर लूज है या बकेट रिप्लेसमेंट है, बकेट का फास्टनर की टाइटनिंग है, तो उस कंडीशन में मेंटेनेंस डोर प्लेटफॉर्म यूज होता है। जो इसके डोर्स होते हैं दोस्त, वो हिंज टाइप होते हैं कि 5 मिनट के अंदर में ही बड़े से बड़ा डोर खोला जा सके, जिसके द्वारा प्रॉपर बेल्ट के इनसाइड इंस्पेक्शन किया जा सके, बेल्ट जॉइंटिंग का इंस्पेक्शन किया जा सके, जितने भी बेल्ट हैं प्रॉपर उसका बोल्ट टाइटनिंग किया जा सके, और प्लस जरूरत पड़े तो बेल्ट रिप्लेसमेंट भी किया जा सके, बेल्ट बकेट का भी रिप्लेसमेंट किया जा सके। इसलिए मेंटेनेंस डोर बहुत अहम होता है उसका डिजाइन। बेल्ट जॉइंटिंग एंड बकेट फिक्सिंग, बेल्ट में ही इनबिल्ट होल होते हैं, उसी होल में बेल्ट में पहले एक स्ट्रिप लगाएंगे, उसके ऊपर में बकेट को लगाया जाता है, उसके बाद में नट बोल्ट की फास्टनिंग करके प्रॉपर टाइटनिंग की जाती है। बकेट बोल्ट की टाइटनिंग में दोस्त सबसे अहम होता है कि जो उसका हेड है बोल्ट का, वो थोड़ा सा 1 या 2 mm इनसाइड में होना चाहिए बेल्ट के। तो अगर हेड इम्बेडेड रहेगा बेल्ट के इनसाइड में, तो दोस्त ड्यूरिंग रनिंग जो बेल्ट का मेटल हेड है वो हेड ड्रम के लैगिंग से ना कांटेक्ट में आने पाए। अगर लैगिंग के कांटेक्ट में आएगा तो हेड ड्रम का लैगिंग वेयर एंड टियर उसका ज़्यादा हो जाएगा, वर्न आउट होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो बेल्ट डिरेल होने का चांस बढ़ जाता है उस कंडीशन में। बेल्ट जॉइंटिंग में अलग अलग सप्लायरों का अपना अलग अलग फिलॉसफी होता है। मान लीजिए अमुंड का है, अमुंड के केस में एल्युमिनियम टाइप का फिक्सचर अरेंजमेंट होता है, वहां पर जो भी एम्बेडेड वायर है उसकी प्रॉपर क्लैंपिंग की जाती है और वाइकन एक्टू सोल्यूशन के द्वारा बेल्ट को प्रॉपर जॉइंटिंग किया जाता है। अगर वही हम केस देते हैं ब्यूमर का, तो ब्यूमर केस में भी एल्युमिनियम का डिजाइन का लाइट वेट का बेल्ट जॉइंटिंग अरेंजमेंट होता है, वहां पर वायर को एक्सपोज करके उसके अंदर में एल्युमिनियम मेटल फिलिंग की जाती है। दोस्त सबसे अहम होता है कि जो भी हम बेल्ट ज्वाइंटिंग कर रहे हैं, जो उसका बेट है, उसके पैरेलल में ही हमको एक काउंटर बकेट लगाने पड़ते हैं, जैसे कि प्रॉपर मूवमेंट हो सके बकेट का। हेड ड्रम एंड ड्राइव अरेंजमेंट, दोस्त ड्राइव अरेंजमेंट जनरली 2 टाइप्स के होते हैं बकेट एलिवेटर में। पहला है कि उसका डिजाइन टॉर्क आर्म टाइप का हो। टॉर्क आर्म में दोस्त क्या होता है कि हेड ड्रम के शाफ्ट में ही हेलो शाफ्ट डिजाइन का गियरबॉक्स होता है, सीधा शाफ्ट में इंसर्ट करके फिक्स कर दिया जाता है और उसका मूवमेंट गियरबॉक्स के साथ में ही होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए कि कभी ड्राइव एंड साइड का बेयरिंग डैमेज हो गया हेड ड्रम का, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमको टोटल गियरबॉक्स डिसमेंटल करना पड़ता है। दोस्त 100 मीटर हाइट पे गियरबॉक्स का रिप्लेसमेंट, मोटर का रिप्लेसमेंट बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है दोस्त। इसीलिए आजकल जो बकेट एलिवेटर का डिजाइन है वो पिन बुश कपलिंग के साथ में आता है, तो जो हेड ड्रम है उसी में पिन बुश कपलिंग फिक्स रहता है, जो ड्राइव अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर है वो सेपरेट रहता है, गियरबॉक्स के आउटपुट में पिन बुश कपलिंग, इनपुट में फ्लूड कपलिंग का अरेंजमेंट होता है और इनपुट में ही मोटर लगे रहते हैं। तो मोटर, फ्लूड कपलिंग, गियरबॉक्स, उसके बाद पिन बुश कपलिंग, उसके बाद हेड ड्रम। इस कंडीशन में क्या होता है, तो मान लीजिए कि सबसे ज्यादा लोड हेड ड्रम के बेयरिंग में ही आता है, तो बेयरिंग का डैमेज होने का चांस जो सबसे ज्यादा अगर है तो वो हेड ड्रम के बेयरिंग है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्त, यहां पर इजिली रिप्लेस किया जा सकता है हेड ड्रम के बेयरिंग को। दोस्त जो हेड ड्रम होता है उसकी प्रॉपर लैगिंग होती है, सेफ्टी डिवाइसेस इन बकेट एलिवेटर। दोस्त बकेट एलिवेटर का परफॉर्मेंस प्रॉपर हो, उसमें कोई भी ब्रेकडाउन ना आने पाए, इसलिए बकेट एलिवेटर सेफ्टी बहुत ही जरूरी होती है। इसलिए सबसे अहम होता है नंबर 1 बूट लेवल इंडिकेटर। मान लीजिए कि लिप गैप ज्यादा हो गया दोस्त बकेट एलिवेटर के डिस्चार्ज में, जब बकेट से मटेरियल डिस्चार्ज सूट में गिरता है तो वहां पर लिप प्लेट होता है, वहां पर जनरली 10 mm का गैप होता है। वो 10 mm गैप ड्यूरिंग ऑपरेशन वो धीरे धीरे बियर एंड टीयर के होने से वो बढ़ जाता है, मान लीजिए 15 से 20 mm तक हो गया। तो जो मटेरियल गिरना चाहिए डिस्चार्ज होपर में, तो करीब 2% 4% या 10% इवन 10% तक का मटेरियल फॉल एलिवेटर के इनसाइड में होने लगता है, तो वो सीधा कहां जाएगा, सीधा बूट में आएगा। तो बूट हमेशा एलिवेटर का भर जाता है, तो वो इंडिकेशन पता चले इसलिए बूट लेवल इंडिकेटर होते हैं। उससे इमीडिएट पता चल जाता है कि बूट भर गया मटेरियल से, इमीडिएट इसमें एक्शन होना चाहिए, वो अलार्म हो, बकेट एलिवेटर को वो ट्रिप भी कर सकता है। दूसरा है दोस्त बेल्ट स्विचेज।
मान लीजिए हेड ड्रम की लैगिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया, वियर एंड टियर ज्यादा हो गया, तो बेल्ट आपस में भागने लगेंगे। तो जैसे ही वो एक साइड में केसिंग के साइड में आया तो वहां पर बेल्ट पे स्विच लगे रहते हैं, जनरली 2 नंबर टॉप में 2 नंबर बॉटम में रहते हैं लिफ्टिंग साइड में। तो जैसे ही वो केसिंग साइड में बेल्ट आएगा दोस्त, वो सेंस कर लिया जाएगा, इमीडिएट पता चल जाएगा कि इसका बेल्ट स्वे आ रहा है। तीसरा है ZSA 0 स्पीड स्विच, ये बताता रहता है, इंडिकेशन देता रहता है कि बेल्ट का मूवमेंट हो रहा है। मान लीजिए कोई बकेट फंस गया या बेल्ट डैमेज हो गया, उस कंडीशन में स्टिकअप हो गया या बूट भर गया, बूट लेवल इंडिकेटर काम नहीं किया, तो ZSS इमीडिएट स्टॉपेज आया। तो जैसे ही 30-40 मिलीसेकंड का पाउज टाइम हुआ ZSS का, इमीडिएट बेल्ट को ट्रिप कर देगा, ड्राइव को ट्रिप कर देगा, जिससे कि मेजर ब्रेकडाउन रुकता है। और चौथा दोस्त सबसे अहम होता है कि बेल्ट का ज्वाइंट का बोल्ट लूजनेस अगर पता चल गया, वो बहुत अहम होता है। इसलिए आज के डेट में दोस्त जो बड़े बड़े एलिवेटर हैं उसमें बेल्ट ज्वाइंटिंग में लूजनेस पता करने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस रहती है, इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, जिससे कि बोल्ट जैसे ही अगर लूज हुआ उसका पता चल जाता है। डिटेस्टिंग अरेंजमेंट ऑफ बकेट एलिवेटर, आज के डेट में एनवायरमेंट में इम्सन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अब प्लस अगर बकेट एलिवेटर के इनसाइड में प्रॉपर डिटेस्टिंग अरेंजमेंट काम कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। जो भी सीलिंग अरेंजमेंट है, चाहे वो हेड ड्रम में लगा हो चाहे वो टेल ड्रम के पास लगा हो, प्रॉपर डिटेस्टिंग रहेगा तो वहां मटेरियल जाने नहीं पाएगा सील तक, और जिसके द्वारा प्रॉपर सक्शन क्रिएट रहेगा इनसाइड में, बफिंग नहीं आने पाएगा चाहे वो हेड के पास में चाहे बोर्ड के पास में, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट के साथ में बकेट एलिवेटर अपना परफॉर्मेंस दे पाता है। दोस्त आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आते हैं बकेट एलिवेटर के ऑपरेशन के दौरान, इसके डिजाइन कैलकुलेशन के बारे में दोस्त हम आपको बताएंगे, कैसे गेयरबॉक्स का सिलेक्शन होता है, कैसे बेल्ट की सेफ्टी निकाली जाती है, कैसे बकेट साइज का कैलकुलेशन होता है, इस सारा डिटेल दोस्त आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिसके द्वारा आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।